स्वामी संदीप ओमकार महाराज पैलेस अपने ऑफिस में गांव और शहर से आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, स्वामी संदीप ओमकार टिकट के दावेदार और पब्लिक के प्यारे और दुलारे स्वामी संदीप ओमकार ने जो आज हुंकार भरी कि मैं आज अपने भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, उसी का प्रमाण है जो आज मुझे मिला है। यह खुशी आज मैं अपने सभी भाइयों से शेयर कर रहा हूं कि टिकट भी और जीत भी दोनों मेरी हैं और ये सब आपका आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद मुझे आप लोगों ने ही दिया है। यह खुशी जो आज मिलने जा रही है उसका फल हम कभी नहीं भूल सकते और हम सभी इकट्ठा होकर माँ सरस्वती पर सबसे पहले नतमस्तक होंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमेशा आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। मैं श्री बंटी राणा ने कहा कि हम स्वामी संदीप ओमकार को अपने गाँव से और शहर से आसपास के गाँव से भारी मतों से जिता कर भेजे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज इतना बड़ा परिवार जो मेरा एक छोटे से मैसेज पर यहाँ एकत्रित हुआ है, मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज जो हम इस जगह पर खड़े हैं, देखिए जब मैं पिहोवास के अंदर आया, इस यहाँ पर सेवा करने का हमने संकल्प लिया सभी साथियों से मिलकर, कदम कदम पर यहाँ के हर एक व्यक्ति ने, हर एक साथी ने मुझे इतना साथ दिया जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जितनी भी रैलियां आज से पहले हमने करी, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा है 4 तारीख की हमारा कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम आज तक करे, इतना बढ़ चढ़ कर पूरे परिवार ने जो मेरा साथ दिया है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जिस चीज का आज तक हमने इंतजार किया 2.5-3 साल से, जिसके लिए लगातार मेहनत करी, वो समय अब आ चुका है। अब आपने अपने सबसे पहले बूथ को संभालना है, गली को संभालना है, अपने गांव को संभालना है। 200 बूथ हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, हर एक बूथ से कम जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पर हम ले जाकर वोटिंग करेंगे, तभी जो हमारा लक्ष्य है, जिसका विश्वास मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि इस क्षेत्र से पूरे हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोटें जीत कर आपकी झोली के अंदर डालने का हम प्रयास करेंगे।